हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, और भी एक सेकंड के अंदर। गाइस, बहुत इजी होता है, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो और इंटरनेट प्रॉब्लम। सो गाइस, एंड अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हो इस तरीके से और सही पासवर्ड डालते हो, तो आप दोबारा उसे कनेक्ट करो, दोबारा से उसको फॉरगेट करके ऐसे डबल टैप, मतलब उस पर क्लिक करना, फॉरगेट कर देना। फिर इसके दोबारा कनेक्ट करके शायद चल जाता है। अगर नहीं चलता है तो गाइस आप रीस्टार्ट कर लो फ़ोन को, तब भी नहीं चलता है। तो गाइस आपको लास्ट सेटिंग बता रही, तो उसे करने वो होता है लास्ट सेटिंग, वो है रीसेट करना। सो गाइस, नेटवर्क को रीसेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सो गाइस, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऐसे सेटिंग के लास्ट में जाना है, सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर आपको रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करना है, रीसेट फ़ोन पर। और इसके बाद आपको रीसेट वाईफाई सेटिंग्स पर क्लिक करना है, फिर रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना, और जो भी आपने लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ कर लेना। तो इस तरीके से जो है नेट पूरा रीसेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा आएगा कि वाईफाई सेटिंग हैव रीसेट एंड। सो गाइस, जब आप नेटवर्क का रीसेट कर दोगे तो ऐसे जो प्रॉब्लम होता है इंटरनेट प्रॉब्लम, वो सॉल्व रहता है आपका वाईफाई प्रॉब्लम। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नेटवर्क का रीसेट करके जो इंटरनेट प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप कनेक्ट करते हैं तो फास्ट और सही चलता है। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। गाइस, अगली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।